Hello friends, this is Rahul. Welcome back to CAD Stylers AutoCAD Tutorial Series. So, आज की जो हमारी exercise है, वो है हमारे पास ये वाली. So, आज हम एक ही exercise करेंगे, हम दो exercise नहीं करेंगे. Okay? So friends, ये हमारी exercise है, इसे हम देख लेते हैं. इसमें हमारे पास क्या-क्या दे रखे हैं और किस तरह से हम इसे बनाना है. Okay? So friends, आप देख सकते हो, एक हमारे पास ये वाला slot है, एक हमारे पास ये rectangle दे रखे हैं. Okay? Rectangle दे रखे हैं और rectangle में हमारे पास कुछ सर्कल्स दे रखे हैं, कुछ इस तरह का ये हमारे पास स्लॉट दे रखे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ एंगल दे रखे हैं और रेडियस दे रखे हैं, और इसमें हमारे पास ये वाला रेडियस भी दे रखा है. तो ये एक कर्व बन जाएगा आपका. मेन चीज ये हो गई आपके पास. रेक्टेंगल आप बना सकते हो, रेक्टेंगल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है. और जो मेन हमारा काम रहेगा वो ये चीज बनाने का रहेगा, ये जो हमें ट्रायंगल्स बनाने हैं एंगल पे. ओके, सो फ्रेंड्स अभी हम इसे बना के देखते हैं, हमें स्टार्ट किस तरह से करना है. ये चीज तो हम बनाएंगे, इसे हम मिरर कर देंगे, हमें दोनों साइड बनाने की जरूरत नहीं है. सो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं जिसकी लेंथ मेरे पास कितनी दे रखी है, 120 की. या फिर मैं क्या करूंगा, एक सेंटर लाइन लूंगा, सेंटर लाइन से मैं इसको ऑफसेट कर दूंगा. या फिर मैं रेक्टेंगल भी ले सकता हूँ, मैं दोनों काम कर सकता हूँ. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ. सो रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स में 120 है, वाई में कितना है, 12 है. सो स्टार्ट करते हैं अभी इसको हम. सो सबसे पहले क्या आ जाएगा, REC एंटर 0.0, 120 आपकी x में वैल्यू है और y में कितनी है, 12 mm. z एंटर, a एंटर, आप देख सकते हो आपके पास ये रेक्टेंगल बन गया है. अब इसमें हम क्या करेंगे, सेंटर से एक लाइन ले लेंगे. आपने देखा होगा सेंटर से एक लाइन हमारे पास रिक्वायर्ड थी. उसके बाद हमारे पास क्या है, हमें इसे ऑफसेट कर लेना है 2 mm. ये ऑफसेट का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 mm, और ये सर्कल से यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे पास, 10 mm. इट मीन्स मुझे 1 mm का ऑफसेट और भी लेना पड़ेगा ये रेक्टेंगल, ये सर्कल का सेंटर लेने के लिए. ओके, सो मैं क्या करूंगा, 1 mm इसको ऑफसेट कर लूंगा, 1 mm, 1 mm, 1 mm और 1 mm. ओके, सो मैं यहाँ पे ऑफसेट कर लेता हूँ, ओ एंटर, 1 mm. अभी आप देखिए एक ऑब्जेक्ट है, पॉलीलाइन में बना हुआ है, सो मुझे एक्सप्लोड करना पड़ेगा. तो आप देख लीजिए लाइन में कन्वर्ट हो गया, पहले ही पॉलीलाइन में था. ओके, सो ऑफसेट 1 mm एक बार किया, सेकेंड टाइम यहां से भी दो बार हम कर लेंगे इसे, तो ये चीज हमारे पास बन के रेडी हो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें ये वाला स्लॉट बनाना है. ओके, सो ये वाला स्लॉट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए. सो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, यहाँ पे यहां से एंड से लेकर इसके एंड तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 55.8, और यहां से मेरा डिस्टेंस कितना दे रखा है, 11.2. तो इसको मैं ऑफसेट भी कर सकता हूँ 11.2, सो मैं इसको ऑफसेट कर लूंगा 11.2. ओ एंटर, 11.2 इसको मैं ऑफसेट कर लेता हूँ, और इस लाइन को मैं सेंटर वाली लाइन को ऑफसेट कर लूंगा कितना, 55.8 का हाफ कर लेंगे. सो कितना आ जाएगा, 55.8 / 2 = 27.9. सो 27.9 mm इसको मैं ऑफसेट कर लूंगा. सो ओ एंटर, 27.9 इस लाइन को मैं ऑफसेट कर लूंगा अपसाइड, और इसे मैं एक्सटेंड कर दूंगा अभी. सो इस लाइन को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ. सो ये वाला पॉइंट मेरे पास अभी आ गया है. ओके, सो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मुझे इस लाइन को डिलीट करना पड़ेगा. सो अब मुझे ये वाला कर्व बनाना है, तो इस कर्व को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 6 mm की लाइन लेनी पड़ेगी, या फिर मैं 5.8 की भी लाइन ले सकता हूँ. सो मैं एक्स्ट्रा लेके चलूंगा ताकि ये कर्व मेरा बन जाए. ओके, सो मैं यहाँ पे एल एंटर, -6.0, सो ये लाइन आ जाएगी आपके पास, और यहाँ से ही @0.0 आपने देखा होगा यहाँ पे ड्राइंग में 8 degree की एक लाइन भी है. सो 270 - 8 कितना हो जाएगा, 262. सो मैं लेंथ ले लेता हूँ यहाँ पे @10 < angle 262. तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसे मैं एक्सटेंड कर लूंगा अगेन ये चीज. ओके, सो अभी मेरे पास F एंटर, R एंटर, फिलेट आ रही थी कितने की, 5.8 की. सो ये मेरे पास फिलेट आ रही है, आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा इसको इंक्रीज किया था, 6 लेंथ ली थी, 0.2 mm एक्स्ट्रा लिया था ताकि ये फिलेट इजी से लग जाए मेरी. इसके बाद क्या है, मेरे पास ये वाला कर्व बनाना है. तो इस कर्व को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास या तो मैं आर्क ले लूंगा, या मैं सर्कल ले लूंगा, या मैं सी एंटर TTR कर लूंगा. तो मैं तीनों को ही यूज करके देख लेता हूँ किस तरह से मेरा ये आर्क आएगी. सो सी एंटर, TTR. सो फर्स्ट टेंजेंट मेरे पास ये दे रखा है, दूसरा टेंजेंट ये दे रखा है, और रेडियस कितना दे रखा है, 12.5 का. सो एंटर किया तो आप देख सकते हो
ये चीज मेरे पास आ गई बट ये चीज नहीं आई. ओके सो इस चीज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अभी. सो मैं इसमें क्या करता हूँ, स्टार्ट एंड और रेडियस एक आर्क लगा लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आर्क कितनी है मेरे पास 12.5 की. सो ये आर्क मेरे पास आ गई है. सो इसमें अभी मैं क्या करूंगा, पैरामेट्रिक अप्लाई करता हूँ, टेंजेंट अप्लाई कर दूंगा. इसे पहले डिलीट कर लेते हैं, इसको मैं टेंजेंट कर लेता हूँ. जो लाइन मुझे फिक्स रखनी है वो पहले आएगी और जो मूव करना है वो बाद में आएगा. सो आप देख सकते हो ये टेंजेंट हो चुका है. ओके सो इस तरह से ये कर्व आ जाएगा. जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं ट्रिम कर लूंगा और यहां से मैं इसे एक्सटेंड भी कर लेता हूँ, TR डबल एंटर, और ये देखिए आपके पास ये कर्व बन के रेडी हो गया. सो अब यहाँ पे हम डायमेंशन लेके देख लेते हैं किस तरह से हमारे पास डायमेंशन आ रही है, सही आ भी रही है कि नहीं आ रही है, बिकॉज ये पार्ट बनाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है. सो 5.8 आ रहा है यहाँ से, इसका रेडियस कितना आ रहा है 12.5 आ रहा है, और यहाँ से एंगल भी चेक कर लेते हैं मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ से इस लाइन तक का एंगल कितना आ रहा है 8 डिग्री आ रहा है. इट मीन्स हम बिल्कुल सही कर रहे हैं. ओके सो मैं कंट्रोल जेड करके ये डायमेंशन बाद में भी ले सकता हूँ, मैंने जस्ट चेक किया था कि मेरी डायमेंशन सही आ रही है कि नहीं आ रही है. सो इसे मैं यहाँ से ट्रिम करके इसे मिरर भी कर दूंगा. ठीक है सो अभी मुझे क्या चीज बनानी है, अभी मुझे ये ट्रायंगल्स बनाने हैं, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल बनाना है. ओके सो ट्रायंगल बनाना है कैसे, यहां से देखिए इस लाइन से मेरा डिस्टेंस दे रखा है 2 mm का. सो यहां से मैं एक लाइन लूंगा पोलर में एट द रेट लेंथ लेस देन एंगल. सो लेंथ में जितनी मर्जी रख सकता हूँ बिकॉज मेरे पास यहाँ से भी एक डिस्टेंस दे रखा है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाएंगे, ट्रायंगल मेरा कंप्लीट हो जाएगा. ओके सो मैं यहाँ से लाइन ले लेता हूँ, पहले तो मैं इसको ऑफसेट कर लेता हूँ, ओ एंटर 2 mm. तो इस लाइन को मैंने ऑफसेट कर ली, ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा. तो यहाँ से मैं लाइन ले लूंगा, एट द रेट लेंथ कितनी हो जाएगी 10 लेस देन एंगल मेरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री. जीरो से आ रहा है तो 30 डिग्री ही होगा. ओके सो नेक्स्ट फ्रेंड, अभी इसमें और क्या है मेरे पास, आप देखिए यहां से मेरा डिस्टेंस कितना दे रखा है 56. तो ये 56 और ये लाइन को मैं जब एक्सटेंड करूंगा तो ये दोनों जब इंटरसेक्ट होंगे तो ये ट्रायंगल मेरा कंप्लीट हो जाएगा. सो मुझे यहां से क्या करना है, ओ एंटर 56, इस लाइन को भी ऑफसेट कर लेना है, और यहां से अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा एक लाइन ले रहा हूँ ताकि ये दोनों ही एक्सटेंड हो जाए. सो इसको भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ और इसको भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, और जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है उसको मैं ट्रिम कर दूंगा. इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, मुझे ये भी नहीं चाहिए. सो ई एंटर, यहाँ से मैंने इरेज कर दिया इसे. ओके सो ये वाली लाइन भी नहीं चाहिए मुझे, और ये रेक्टेंगल मेरा अभी बन गया. सो अभी मुझे क्या करना है, आप देखिए यहाँ से मुझे 7 mm का डिस्टेंस दे रखे है, यहाँ से यहाँ से. तो ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास जिसका डिस्टेंस मेरे को तीनों साइड से 7 mm दे रखा है. इट मीन्स मैं ऐसे ऑफसेट करूंगा 7 mm. सो ओ एंटर 7 एंटर, और इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को, ये तीनों को मैं ऑफसेट कर लूंगा. सो इसके बाद देख लेते हैं अभी इसमें और क्या करना है. देखिए यहाँ पे ये मेरे पास कुछ फिलेट्स दे रखी हैं. सो फिलेट का यहाँ पे रेडियस तो नहीं दे रखा, यहाँ देखते हैं नीचे मेरे पास लिखा हुआ अनस्पेसिफाइड रेडियस R1. सो जो मुझे रेडियस यहाँ पे नहीं दे रखे हैं, जो स्पेसिफाई नहीं किए हुए हैं, वो रेडियस कितने हैं 1 mm के हैं. सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एफ एंटर, आर एंटर, 1 एंटर, एम एंटर फॉर मल्टीपल टाइम्स. तो इन सभी को मैं फिलेट कर लेता हूँ यहाँ से. तो ये देखिए मुझे बाकी एक्स्ट्रा जो लाइन थी उनको ट्रिम करने की भी जरूरत नहीं पड़ी. ओके तो इनका डिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं अभी, यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ रहा है, देखिए 7 ही आ रहा है. ओके सो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वाला रेक्टेंगल बनाना है. सो ये वाला रेक्टेंगल किस तरह से बनाना है, देखिए ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ऑलमोस्ट मुझे सेम ही लग रही है. ओके ये वाली लेंथ दोनों ही सेम है 30.4 की. सो एक डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे 4 का. सो 4 के डिस्टेंस से मुझे ये लाइन लेनी है. सो इसको बना के देखते हैं अभी. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस पॉइंट से लाइन ले लेता हूँ एक, एट द रेट मेरे पास 4 एंगल लेंथ आ जाएगी, और एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास, एंगल कितना आ जाएगा 30 का. सो एंगल मेरे पास आ गया 30 का, और यहीं से मैं एक लाइन लूंगा. अब लाइन जो मैंने लेनी है उसकी लेंथ कितनी है मेरे पास 30.4, और एंगल कितना है मेरे पास 50 प्लस 30, तो एंगल कितना आ जाएगा 80 का. ओके सो एट द रेट 30.4 और लेस देन एंगल 80. सो मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी. ओके अब मुझे ये भी लाइन लगानी है, तो यहां से भी डिस्टेंस नहीं दे रखा. सो इस लाइन को किस तरह से लगाऊंगा, यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये मेरा टोटल एंगल कितना बनता है 90. अगर यहां से देखूंगा तो ये एंगल मेरा कितना बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा ये 90 बनेगा. सो ये मेरा यहां से लेकर यहां तक कितना बना हुआ है 80. तो इट मींस अगर मैं यहां से देखूं तो ये 20 लेफ्ट बचा है, ये कितना बचा है 80, और अगर मैं स्ट्रेट लाइन देखूं तो ये लेफ्ट बचेगा 10. तो इट मींस मेरे पास जो लेफ्ट जो एंगल रिक्वायर्ड बचा है वो कितना बचा है 70. सो यहां से मैं 70 का एंगल लूंगा. तो 70 का एंगल किस तरह से लूंगा,
ये जो लाइन आएगी मेरी 270 की आएगी, 270 प्लस कितना एंगल हो जाएगा 70 340, एट द रेट 30.4 लेस देन एंगल कितना आ जाएगा 340। तो आप देख सकते हो ये लाइन बिल्कुल सही आई है। डिस्टेंस चेक कर लेते हैं एक बारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी बिल्कुल सही आ रहा है। ओके सो अब इसके बाद और मुझे क्या करना है, एंगल भी चेक कर लेते हैं। 50 आ रहा है और 80 आ रहा है, तो यहाँ से एंगल कितना आ रहा है 50, इसका भी एंगल चेक कर लेते हैं 30 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। इन दोनों का भी एंगल चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है 80 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ओके और इसमें क्या है, इसमें भी मेरे पास ट्रायंगल दे रखा है जिसका डिस्टेंस दे रखा है दोनों साइड से 6.4 6.4, सो तीनों साइड से मैं 6.4 6.4 ही ले लूंगा, ऑफसेट करूंगा 6.4 mm, सो यहाँ से ऑफसेट आ गया यहाँ से और यहाँ से, सो अनस्पेसिफाइड रेडियस आ रहा है मेरे पास 1 mm का, सो वो भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये भी ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ से मैं डिस्टेंस भी चेक कर लेता हूँ, मेरे पास डिस्टेंस कितना आ रहा है 6.4 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारे पास ये चीज कंप्लीट हो गई है, सो अभी देख लेते हैं हमें और क्या करना है। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, ये चार सर्कल दे रखे हैं, तो इन दो सर्कल के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 6.4 दे रखा है और 4 into dia 1.2, इट मीन्स चार सर्कल का जो डाया है वो कितना है 1.2, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। सो इस लाइन से मेरा पॉइंट का सेंटर कितना दे रखा है 2.4 दे रखा है, सो मैं इस लाइन को ऑफसेट कर लूंगा और ये लाइन तो मेरे पास दे ही रखी है, सो ये सेंटर आ जाएगा मेरे पास। सो मैं इसे बना लेता हूँ अभी, ओ एंटर 2.4 mm, इसको मैं ऑफसेट कर लेता हूँ यहाँ से, और सी एंटर, ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास इंटरसेक्शन, ये कितना आ जाएगा 1.2 का डाया दे रखा था और 0.6 आ जाएगा रेडियस, तो मैं डाया भी ले सकता हूँ और वो भी ले सकता हूँ। ओके सो अभी यहाँ पे डिस्टेंस मुझे क्रिएट करना है 6.4 का, सो मैं यहाँ पे ऑफसेट 6.4 भी ले सकता था बट मैं इसे कॉपी करूंगा, सो सी ओ एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर ऑर्थो यहाँ से ऑन कर लेना आपने, सेंटर पॉइंट से कॉपी कितना करना है 6.4 mm। ओके सो एम आई एंटर करके इन दोनों को आपने मिरर कर लेना है ये सेंटर लाइन से, सो आप देख सकते हो ये चीज आपकी कंप्लीट हो गई है। सो अभी इनका डिस्टेंस चेक कर लेते हैं एक बारी, डिस्टेंस कितना आ रहा है, मेरे पास ये लाइन भी नहीं चाहिए, मुझे ये लाइन भी नहीं चाहिए, और इनका डिस्टेंस एक बारी चेक कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है 6.4 ही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2.4 आ रहा है, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास इसका डाया चेक कर लेते हैं, सो डाया कितना आ रहा है मेरे पास 1.2, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ओके सो ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट ही हो गई है, मैं क्या कर रहा हूँ इसे ट्रिम कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, सो मैं ये लाइन को भी इरेज और ये लाइन को भी इरेज कर लेता हूँ, और यहाँ से डिस्टेंस एक और भी चेक कर लेते हैं ये जो मेरे पास आ रहा है। सो अभी हम क्या करेंगे, इसे मिरर कर लेते हैं, एम आई एंटर सिलेक्ट ये सारा ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, और इसे मिरर करेंगे हम इस लाइन से। ओके सो यहाँ से हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, इससे पहले मैं इस डायमेंशन को डिलीट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जो मुझे ड्राइंग बनानी है वो इजी बन जाए। ओके सो मेरे पास ये भी कर्व आ गया, यहाँ से मैं क्या करूंगा इस लाइन को ज्वाइन कर लूंगा। ओके सो इस तरह से मेरे पास ये चीज कंप्लीट हो गई है, तो अभी इसकी डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे कितना दे रखा है 12.76 दे रखा है। ओके ओके तो आप देख सकते हो ये डिस्टेंस भी आपका बिल्कुल सही आ गया है। इसके बाद देख लेते हैं डिस्टेंस हमारा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है 55.8, तो यहाँ पे कितना था 55.8, बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट मेरी जो डिस्टेंस है वो देख लेते हैं और क्या क्या है मेरे पास, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है 12 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको सारी डायमेंशंस इजी दिख जाएं। ओके इसके बाद हमारे पास ये वाले डायमेंशंस भी आ गई, अब मुझे ये लेंथ चेक करनी है, तो ये लेंथ भी चेक कर लेते हैं, तो ये लेंथ कितनी आ रही है 120, और इसके एंगल और लेंथ वगैरह भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा था 56, तो बिल्कुल सही आ रहा है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है 2 mm, तो बिल्कुल सही आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा मूव भी कर सकता हूँ, तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है ये भी 7 आ रहा है, और यहाँ से अलाइन लगा लेंगे तो इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है 7 ही आ रहा है, और यहाँ से भी इसका डिस्टेंस चेक कर लेते हैं 6.4, तो बिल्कुल सही आ रहा है। ओके और यहाँ से रेडियस चेक कर लेते हैं, ये रेडियस कितना आ रहा है 5.8, ये रेडियस कितना आ रहा है 12.5, और एंगल कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे
ये जो एंगल हमने देखा था बिल्कुल सही आ रहा था 8 डिग्री का, और यहाँ से भी एंगल देख लीजिए आप, सारे सही आ रहे हैं। अगर इसको मैं रेडियस चेक करूँ जो हमने अनस्पेसिफाइड रेडियस लगाया था तो वो कितना था, 1, तो बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, सो इस तरह से आपकी ये सारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अब इसमें देख लेते हैं और क्या करने वाला हमें, ये डिस्टेंस इसके एंड सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये भी डिस्टेंस बिल्कुल सही आ रहा है, और यहाँ से भी डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस कितना था, 6.4 था, तो बिल्कुल सही आ रहा है। अगेन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना आ रहा है, 2.4। ओके, अब इसको बाद में एडिट भी करेंगे किस तरह से ये हमें एडिट करना है। ओके, सो ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि हमने लास्ट ड्राइंग में किया था, हमने हैचिंग ग्रेडियंट अप्लाई किया था, तो उसी तरह से हम इसमें भी कर लेते हैं, ग्रेडियंट अप्लाई कर लेते हैं। ग्रेडियंट में हमने दो कलर चूज किए थे, एक हमने डार्क ग्रे और एक हमने लाइट ग्रे, ताकि थोड़ा सा मेटेलिक इसमें टच आ जाए। तो आप देख सकते हो ये भी इस तरह से कंप्लीट हो गया और ये भी। सो इस डायमेंशन को मैं थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ ताकि ये आपको सही से विजिबल रहे। ओके, सो इसके साथ मैं इसको भी ग्रेडियंट कर लेता हूँ। अगेन ग्रेडियंट कलर वही रहेंगे, तो इसको भी मैंने ग्रेडियंट कर लिया, इसको भी कर लिया, सेंटर वाली बॉडी को मैं रहने देता हूँ। सो इसके साथ ही मेरे पास एक चीज और रहती है, यहाँ पे एक सर्कल भी रहता है जिसका डिस्टेंस मेरे को यहाँ से 6 दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, ऑफसेट लेके इसको 6 mm और इसका सर्कल लूंगा मैं 2.4, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 1.2। ऑफसेट ले लेता हूँ मैं कितना, 6 mm का। सो सेंटर आ गया मेरे पास यहाँ से, तो 1.2 का रेडियस आ गया मेरे पास, तो ये सर्कल भी आ गया। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, इसका डाया भी चेक कर लेते हैं कितना है। रेडियस मैंने 1.2 लिया था, डाया कितना आ गया था मेरे पास, 2.4, तो बिल्कुल सही आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से ये आपकी सारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी किस तरह से इसमें हमें एंगल लेना है, लाइन लेनी है, ये सारी कमांड्स किस किस तरह से यूज करनी है, और ये आर्क किस तरह से हमें लेनी है, टेंजेंट किस तरह से अप्लाई करना है जो हमने यहाँ से अप्लाई किया था। ये कॉन्स्टेंट सारे मैं एक करवा भी दूंगा आपको एक बार अलग से वीडियो बना के, बहुत ईजी है। सो इस तरह से हम इन्हें यूज कर सकते हैं, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ड्रॉइंग को भी हम इजिली बना सकते हैं। ओके, सो इसमें अभी हम डायमेंशन चेक कर लेते हैं, हमें मॉडिफाई क्या क्या करना है। कॉमास की जगह हमें पीरियड चाहिए, हाइट इसकी हम थोड़ी और कम कर लेते हैं, 1.5 रख लेते हैं, और एरोज की हाइट भी हम 1 रख लेते हैं ताकि हमें इजीली विजिबल हो जाए सारी चीजें। तो आप देख सकते हो ये ड्राइंग आपकी सारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ड्राइंग अच्छे समझ में आ गई होगी, और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।